लॉकडाउन के दौरान यदि आप सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जयपुर में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देना भाजपा के एक विधायक को महंगा पड़ गया। जयपुर के मानसरोवर थाने में बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक लाहोटी ने कोरोना वायरस के बीच समाज में आपत्तिजनक टिप्पणी और भाषण देते हुए लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, साथ ही शांति और सौहार्द की भावना को बिगाड़ने की कोशिश की। इसके चलते मानसरोवर के रजत पथ के रहने वाले रामचंद्र देवंदा ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत विधायक लाहोटी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सीआईडी सीबी की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रामचंद्र नाम के व्यक्ति जो रजत पथ पर रहते हैं, उन्होंने विधायक सांगने लाहोटी जी पे आरोप लगाए हैं कि भयंकर महामारी के दौरान भी इन्होंने धार्मिक भावनाओं, जातीय भावनाओं को छेड़ते हुए सरकार व प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि 720 रुपये में खाना दिया जा रहा है, जबकि इनका कहना है 110 रुपये में ही खाना दिया जा रहा है। और अन्य कई आरोप जो FIR में हैं, जो जातीय समुदाय के आधार पर भेदभाव करने के आरोप वगैरह के बारे में इन्होंने कहा है। इस पे